बैक टू माय चैनल कैसे हैं आप लोग उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे मैं भी अच्छी हूँ और 24 तारीख का दिन था सुबह के सारे काम हो गए थे पूजा वूजा हो गई थी और जो है मैंने राखी भी बना ली थी तो फिर टाइम बचा हुआ था तो मैंने कहा चलो नेक्स्ट व्लॉग स्टार्ट करते हैं क्योंकि वो व्लॉग काफ़ी लंबा हो जाता तो बस यहाँ पर दाना मेथी जो है वो भिगोई है क्योंकि मैं दाना मेथी बिना उगाऊंगी मतलब कि गमले में डालूंगी और जो मेरे पौधे हैं फली करेला और टमाटर आ गए उनमें ना चीटियाँ लग रही हैं या फिर थोड़े से कीड़े ना लगे उसके लिए मैं हल्दी के पानी का ना स्प्रे उन पर करूँगी तो एक स्प्रे बोतल में हल्दी का पानी डाल दूँगी आप चाहें तो बेकिंग सोडा वाला स्प्रे भी कर सकते हैं तो अगले आ, या अगले दो दिन में बेकिंग सोडा वाला स्प्रे कर दूँगी तो ये पौधों के लिए बहुत अच्छा होता है हल्दी का पानी से कीड़े भी दूर भाग जाते हैं तो बस स्प्रे बॉटल में डाल करके कर दूँगी ये देखिए करेले की जो बेल है वो बड़ी होने लगी है बट चिड़िया से बचाने के लिए इसको ढक करके रखना पड़ता है इसीलिए थोड़े से पौधे टेढ़े हो गए हैं तो इसमें मैं जाली रखती हूँ वो जो सब्जी की टोकरियाँ होती हैं ना गोल गोल वाली वो ये टमाटर के भी अब बड़े हो रहे हैं धीरे धीरे सबसे ज़्यादा बड़ा करेले की हो रही है जल्दी तो मेथी भी इसीलिए मुझे डालनी थी तो पहले मैंने इसलिए भिगो दिया भिगोने से क्या होगा कि वो पानी आप चाहे तो गुनगुना करके पी लो चाहे तो उसका हेयर स्प्रे बना लो चाहे कुछ भी कर लो ठीक है तो ये हल्दी का जो पानी है मैं पौधों की पत्तियों पे भी स्प्रे कर रही हूँ फली के पौधों पे ना चीटी लग जा रही हैं और पहले चिड़िया खा जा रही थी तो फिर मैंने ढक के रखा तो अब मैं सोच रही हूँ और गमले हुए तो मैं इनको अलग करूँ थोड़ा क्योंकि वो ज़्यादा हैं करेले की बेल भी तीन से चार आ रही हैं तो पहले मैंने जब उगाए थे करेले इतने मस्त आते हैं यार तो तो मेरी ही नज़र लग जाएगी वो मुझे याद आ रहे हैं पिछले वाले तो सब पौधों में मैंने ना हल्दी का पानी डाल दिया ताकि कीड़े और चीटी ना लगे तुलसी तो जी में भी आप जो है वो डाल सकते हो तो ये स्प्रे फली के पौधों पे भी मैं कर रही हूँ और हल्दी का ना तो फिर बेकिंग सोडा का आप डाल सकते हो जो खाने वाला सोडा होता है मीठा सोडा वो मम्मी बता रही थी मुझे मम्मी क्योंकि गार्डनिंग की जो वीडियो भी देखती रहती है खुद भी करती रहती है इसलिए तो वो मैं नेक्स्ट डे मैंग कर दूंगी और यहाँ पे मैंने जो जब भीग गई थी ना वो तो सुबह का टाइम था ये जब भीग गई थी ना दाना में थी तब मैंने ना इसको लगा दिया है दो गमलों में ये ना पानी वाला होता है जो पंछियों को पिलाते हैं ना आपके घर में कोई भी वेस्ट डब्बा रखा हो कुछ भी रखा हो तो उसमें भी आप कर सकते हो तो गमले अभी मेरे सारे बंदर तोड़ गए थे या आ, कुछ में गुआर पटे ही गुआर पटे लग रहे हैं तो फिर बस ये मैंने दाना मेथी भी डाल दी थी थोड़ी थोड़ी इंच पे ही डाली एक इंच भी पूरा नहीं किया बस वो वो डाल के और वो कर दिया और ये पानी भी ना दाल वगैरह का भीगा हुआ है राजमा वगैरह होते हैं ना वो बचा रखा था मैंने रख रखा था तो बस ये शाम का टाइम था मैंने आज बनाना था दाल मखनी और राइस क्योंकि रोटी बेलने का शाम को मेरा दिल नहीं करता है लेकिन फिर मुझे याद आया कि ईलू को तंदूरी रोटी इसके साथ पसंद है तो मैंने कहा तीन से चार तंदूरी रोटी बाहर से ही मंगवा लूँगी तो यूँ तो मैं बना लूँगी दाल मखनी और चावल और ईलू की आज कोचिंग थी तो ईलू तो साढ़े चार चली गई थी ये भी चले गए थे फिर मैंने अपने लिए थोड़ी चाय बनाई ताकि मेरी बॉडी उठ जाए क्योंकि वो जो पेन है वो प्रॉपर तो अभी जा नहीं रहा है और दवाइयाँ भी चल रही हैं सब चल रही हैं तो दूध मैंने निकाल के रख दिया था एक गिलास में तो ये खुरचन जो बची हुई थी उसके उपटन बना लेते हैं जो कि मैं लेट नाइट अपना स्किन केयर इससे कर लूँगी जब मेरा सारा काम निपट जाएगा ना तब ये उपटन मैं रात को कर लूँगी तो बस बेसन डाला है और इससे क्या होता है पतीला भी साफ़ हो जाता है चेहरे पे भी बहुत अच्छा निखार आ जाता है और बहुत अच्छा रहता है ये वाला उपटन तो बस इसको बना के रख दूंगी मैं ढक कर के और यहाँ पे चढ़ा देती हूँ मैं चावल क्योंकि काफ़ी दिन से मेरे चावल खाने की दिल कर रही थी चावल से पहले मुझे नफरत नफरती चावल मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं थे लेकिन वो ए वीडियो देख देख के ना मुझे चावल अच्छे लगने लगे मैं खाने लगी पहले मुझे बहुत बुरे लगते थे मैं रोटी ही पसंद करती थी बट सच में देखने से फ़र्क पड़ता है तो बस बॉटल्स भी सारी खाली थी तो वो भी मैंने भरी और फ्रिज में रख दूँगी तो क्योंकि ये लोग ना कुछ खाली बॉटल्स भी ना फ्रिज में रख देते पता ही नहीं चलता कौन सी खाली है कौन सी भरी फिर देखो चेक करो तो पता चलता अरे ये तो खाली रखी है तो वो ऐसे क्या उतने में जो है चाय बन चुकी थी तो बैठ के एक बार के लिए चाय पीऊँगी उसके बाद जो है आगे का काम करूँगी बस यहाँ पे चाय मेरी हो गई थी तो यहाँ पे मैं नोट कर रही हूँ कि क्या चीज़ लेनी है क्या चीज़ नहीं लेनी है देखो कुछ चीज़ें घर में ख़त्म होती रहती छोटी मोटी चीज़ों की जरूरत पड़ती ही रहती है वो क्या है कि कुछ ना कुछ रह ही जाता है तो बस नोट कर रही थी कि क्या क्या मुझे चाहिए मिल्क पाउडर भी मुझे लेना था कुछ हींग जो है इस बार मुझे जो मैं लेती हूँ वो नहीं मिली थी तो वो छोटी डब्बी लाई थी तो अब महीने का एंड आ रहा है तो वो ख़त्म हो गई ऐसे करके दो तीन चीज़ें ख़त्म हो गई थी और कुछ ऐसी चीज़ें भी होती हैं जो कि मिल्क पाउडर वगैरह तो मैं राख के लिए कुछ मीठा बनाना चाह रही थी तो उसके लिए तो मैंने ये सब कुछ नोट कर लिया था और भी चीज़ें होती हैं यार कोई मंदिर की चीज़ें जैसे धूप में धूपबत्ती वाली होती है ना वो मैं लेने चाह रही हूँ या ऐसे कुछ छोटी मोटी चीज़ें सारी ना लिख ले रही हूँ ताकि मुझे याद रहे और टाइम मुझे मिलता नहीं है जाने का या कुछ भी ख़रीदने का क्योंकि ईलू और इनके में ही सारा टाइम वो बिज़ी रहता है और ये जो कैरी बैग है ना इसका मैं सोच रही हूँ कोई ऑर्गेनाइज़र बना लो एक पेपर्स होते हैं ना हमारे घर में बहुत से कई पेपर्स होते हैं जो कि इधर उधर बिखरे रहते हैं हमारे तो क्या करते हैं कि जो कोई फोटो फ्रेम और रखा है उसके अंदर डाल दिया या फ्रिज के ऊपर रख दिया ऐसे करके घर बिखरा रहता है वो पेपर भी बिखरे रहते हैं और ऑर्गेनाइज नहीं रहते हैं तो मैंने सोचा चलो इसका एक ईजी सा ऑर्गेनाइज़र बना लेते हैं ये कैरी बैग है तो मैंने कहा चलो आपको बताती हूँ मैं बना रही हूँ तो आपको भी बता देती हूँ तो ये देखिए ये कैरी बैग है और इसमें लटकाने के लिए ऑलरेडी बना हुआ है ये पकड़ने वाला होता है ना तो इसको करना क्या है एक सिंगल वाला अगर आप बनाना चाहो तो बस इसको फोल्ड किया और यहाँ पे दो सिलाई लगानी है आपको तो ये ऑर्गेनाइज़र बन जाएगा और ऐसा और भी छोटा वाला हो तो बिंदी का ऑर्गेनाइज़र भी बन जाएगा और बीच में सिलाई लगा पाओ तो और भी हो सकता है बट मैं बहुत ईजी सा कर रही हूँ देखिए इधर से भी आप डाल सकते हो इसमें भी डाल सकते हो एक ये पॉकेट बन सकती है एक ये पॉकेट बन सकती है लेकिन मैं वो अंदर वाली पॉकेट में भी ना बनाऊ और एक यहाँ से अगर हमने कट लगा दिया तो तीन पॉकेट हो जाएंगी ऐसे है ना तो आ, बस इसको यहाँ से मैं कट कर लेती हूँ कैंची से और जब ये कट कर देंगे तो इसका मुंह जो है ना वो खुल जाएगा और खुल जाने से फिर क्या होगा कि वो पॉकेट बन जाएगी तो जो कुछ पेपर्स होते हैं कुछ कार्ड होते हैं जो कि मेरे पास रखिए जैसे बलून वाला हुआ तो कभी फंक्शन और करते हैं तो बलून वाले का नंबर नहीं मिलता है अगर डेकोरेट करवाओ तो ये ऐसे कई छोटे मोटे कार्ड होते हैं तो फिर वो सब इसमें ऑर्गेनाइज़ हो जाएंगे इसमें रख दूँगी और कोई अलमारी वगैरह में इसको है कर दो तो वो रहेंगे और उस पर स्लिप भी लगा दो या लिख दो तो और इजी हो जाएगा ढूंढना तो मैं हाथ से ही कर रही हूँ मशीन से भी कर सकते तो ये दोनों तरफ मैं ना सिलाई लगा दूँगी सिलाई लग जाएगी ना चाहो तो तीसरी तरफ भी आप लगा सकते हो जिस तरीक तरफ से ना फोल्ड किया है है ना तो फिर वो और भी पक्का हो जाएगा मशीन से भी कर सकते और पक्का हो जाएगा इससे ना कैरी बैग का आप तो साड़ी का कवर भी बना सकते हो ऐसे कई रखे रहते हैं तो ये देखिए एक ये हो गया पॉकेट एक ये हो गया और चाहो तो ये हो गया अब इसको आप हैंग करेंगे तो ये तो बंद हो जाएगा तो फिर क्या कर सकते हैं यहाँ से बस इसको कट कर देना है इधर से कट कर दोगे तो ये तीन पॉकेट वाला हो जाएगा लेकिन मुझे थोड़ा सा पक्का लटकाने के लिए करना था तो मैंने यहाँ से कट नहीं किया जब मुझे आ, कुछ काम की चीज़ें नहीं हुई तो फिर वो कर देंगे ये देखिए इस तरीके से कहीं भी अब आपने हैंग किया और आपके जो भी पेपर्स हैं वो रख सकते हो अब देखो हमारे ऐसे ये डाल देते हैं कुछ भी ऑफिस से लाएँगे कुछ भी करेंगे यहाँ डाल देंगे कोई लिस्ट हुई कोई कुछ भी हुई तो ऐसे डाल दिया जाता है फ़ोटो फ्रेम के पीछे ये कार्ड वार्ड तो ये सारे ना मैं इसमें डाल दूंगी तो इसीलिए मैंने जब कैरी बैग मुझे दिखाई दिया न, तो मैंने कहा इसका ऑर्गेनाइज़र बना लेती हूँ और भी मेरे पास रखे हैं तो मैं साड़ी वाले कवर और बनाऊंगी मेरे पास साड़ी वाले कवर हैं तो इस तरीके से कर सकते हो अभी तो ये हैंग इसलिए ऐसा हो रहा है क्योंकि वो समतल है नहीं है ना तो ये देखो फिर ये छोटे मोटे जो कार्ड्स वगैरह हैं वो दूसरी तरफ की पॉकेट में डाल दिए तो ऐसे करके ये चीज़ें ऑर्गेनाइज़ रहती है बिंदी ऑर्गेनाइज़ कर सकते हो और कोई छोटी मोटी चीज़ें हो तो वो ऑर्गेनाइज़ कर सकते हो तो एक ये ईजी सा कैरी बैग का ऑर्गेनाइजर जो बन गया है जिससे कि हम अपने घर को ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं चीज़ों को आ, अच्छी सही जगह पे रख सकते हैं फिर मैं आ गई थी किचन में और खाना बनाने के लिए तो ये दाल तब तक मैं जो है भीग चुकी थी क्योंकि मैंने गर्म पानी में इसे भिगोया था तो बस यहाँ से मुझे एक डब्बे भी धोने थे कुछ मसालों के डब्बे मुझे नए लेने हैं ऑनलाइन मुझे पसंद आ तो रहे लेकिन वो डिज़ाइनर वाले पसंद आ रहे हैं और मैं चाहती हूँ कि जो डब्बे कम जगह घेरे ना तो वो लूँ और अभी बाहर जाने का मुझे इतना टाइम नहीं मिला संडे को और भी इतने काम होते हैं कि क्या करूँ क्या ना करूँ वाली होती है तो पहले जो है दाल को चढ़ा देते हैं फिर ये डब्बे वगैरह भी धोऊँगी मैं और जो है आ, फिर इन पर कुछ इसका मेक ओवर कर देंगे तो बस ये दाल को मैंने डाल दिया है कुकर में डाल दूँगी और नमक डाल के और बस इसमें सीटियाँ लगा दूँगी तो ये नमक डाल दिया है सेंधा नमक डाल रही हूँ मैं और ज़्यादा कुछ इसमें मैंने नहीं डाला है और बस पानी डाल दूँगी और फिर इसको उबलने के लिए रख दूँगी फिर ये डब्बे दिखाती हूँ आपको ये गंदे भी हो रहे थे धुले नहीं थे उस टाइम पर जिस टाइम पर मैंने डब्बे धुले थे तो ये वाले ही बस रह गए थे और इनका जो प्रिंट है वो उतर गया था ये मैंने विशाल मेगा मार्ट से लिए थे तो इनको मैं धो करके सुखा करके थोड़ा सा मेक ओवर कर दूँगी क्योंकि मेरे पास एक वॉलपेपर रखा है उससे कर दूँगी ईजी सा हो जाएगा इस पर कलर वलर करके भी कर सकते वैसे अभी एक महीने आधे महीने के लिए मैंने इन्हें मेक ओवर कर रही हूँ फिर मैं जब नई लूँगी तो इनको मैं ऑर्गेनाइज़ करने के लिए घर को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए काम में ले लूँगी चाहे तो इसका पेन स्टैंड बना दो चाहे कई छोटी मोटी चीज़ें हम इनमें रख सकते हैं तो दस पंद्रह दिन के लिए फिर मुझे इनको यूज़ लेना है फिर मुझे इनको या तो पौधे लगा दूंगी मैं इन पर ऐसा करूँगी नीचे एक छेद किया और पौधे भी लग सकते हैं तो बस वही है कि मेरे पास अभी टाइम नहीं है और ऑनलाइन जो चीज़ें मंगा रही हूँ वो खराब आ जा रही हैं तो जो जीरा निकाल रही थी ना मैं इनको खाली कर रही थी तो जीरा भुना हुआ ख़त्म हो गया था तो मैंने कहा चलो जीरा भी ना साथ में भून लेते हैं तो आ, मैं क्या कर रही थी भूल गई मैं जो कह रही थी कि हाँ अभी मुझे टाइम नहीं मिल रहा है जो ऑनलाइन में मंगा रही वो ही ख़राब आ जा रही है चीज़ पता नहीं अमेज़न से मंगवाई अभी एक चीज़ ग्यारह सौ की वो भी ख़राब आ गई तो मतलब रिप्लेस करवाने को डालो और फिर वो होता भी नहीं तो यहाँ पे मैंने टमाटर हरी एक टमाटर था और हरी मिर्च थी उसकी प्यूरी बना ली और प्याज और लहसुन काट लिया क्योंकि बाहर जैसा टेस्ट आना चाहिए भाई मेरी बेटी के लिए तो बस मैंने घी डाला है उसमें हींग हींग तो मेरे पास नहीं थी जीरा डाला है बस हींग मेरी आज खत्म हो गई थी तो फिर तेज डाल दिया लौंग डाल दी है और फिर जो है मैं इसमें प्याज और लहसुन जो मैंने कद्दू कस किया था ना दो या तीन कली होंगी और एक प्याज था मध्यम आकार का वो डाल दिया है बस वो थोड़े से पके तो फिर हल्दी डाली तो हल्दी बिल्कुल थोड़ी डाली है क्योंकि दाल मखनी का कलर वैसा होता है ना इसलिए फिर वो जो एक टमाटर और दो हरी मिर्च की प्यूरी थी वो डाल दी है लाल मिर्च पाउडर डाल दिया है साथ ही धनिया पाउडर डाल दिया है और नमक उबलते वक्त डाला था तो अभी नहीं डाला है और डालूंगी अभी तो ये मेरे पास अदरक नहीं थी तो सौंठ का पाउडर डाल दिया है और इसे अच्छे से पकने देंगे और जब पक जाएगा तो ये दाल भी हमारी पक ही चुकी है तो बस ये मैं डाल दूंगी और थोड़ा सा ऊपर से पानी डाल के अच्छे से मैश करके दाल मखनी जो है हमारी तैयार हो जाएगी बहुत टेस्टी बनती है अभी पिछले बार जब हम गए थे ना कौन से तो ढाबे पर या रेस्टोरेंट पर गए थे वहाँ जरा भी टेस्टी नहीं थी घर की इतनी टेस्टी बनती है ना कई कई जगह की तो बहुत अच्छा टेस्ट रहता है कई कई जगह का बहुत ही ऐसा होता है कि यार गले से ही नहीं उतरता है तो वही वाला था उस दिन तो यहाँ पे बस पानी डाल के इसको पका लूँगी पकते पकते और बढ़िया इसमें स्वाद आ जाएगा और यहाँ पे ये पक चुकी थी तो बस इसमें और मैंने नमक डाल दिया और बटर डालेंगे अभी इसको मखनी सा मखन सा टेस्ट देने के लिए ढेर सारा मक्खन डाल दूंगी और ईलू आज आठ बजे आएगी तो मैं भी शायद ये जल्दी आ जाए या शायद ये वापस भी जाए तो पता नहीं है लेकिन तो ये देखिए बटर मैंने डाले धहरा धनिया मेरे पास था नहीं तो मैंने डाला नहीं है और फिर जैसे ही मैंने दिया करने गई तो ये लोग आ गए थे बस घंटी बजाई दिया गया उतने में ही बैल बज गई ईलू और ये आ गए थे तो बस मैं और ये रोटियां लेने गए थे तो ये डॉग बेचारा ठेले पे ना उम्मीद से देख रहा था तो इसको लेके फिर दिया और इसको खिलाया ये भी ना हमारी गाड़ी के पीछे दौड़ता है ये भी लगाव रखता है उनसे तो बस यहाँ पे दूध लिया एक शॉप से फिर पैसे भी निकालने थे कुछ छोटी मोटी चीज़ें और लेनी थी जैसे कि मुझे जो जो मैंने लिखी थी वो ली तो आ, बस पैसे वैसे निकलाने थे क्योंकि बिल्कुल ख़त्म होने वाले थे और अभी मैंने पैसे की बचत के लिए और बजट को कंट्रोल में लेने के लिए जो है पेटीएम इनके मोबाइल से अन कर दिया यानी कि मैंने उड़ा दिया क्योंकि मिस सा हो रहा था उससे बहुत ज़्यादा ओवर करने लग गए थे उसका यूज़ ये और उसका और दूसरे तरीके से और क्योंकि फिर उससे मेरा बजट बिगड़ रहा था क्योंकि मेरे उस अकाउंट में ईलू की फ़ीस वगैरह भी रहती है तो वो सब कुछ गड़बड़ जा रहा था तो आज के दौर पे पैसे बचाने के लिए ये पेटीएम उड़ाना मेरे लिए ज़रूरी हो गया था थोड़ा सा बजट को कंट्रोल में करने के लिए क्योंकि मेरे अकाउंट से निकल रहे थे उससे और किस किस तरीके से निकल रहे थे वो आगे कभी किसी वीडियो में बताऊँगी तो बस यहाँ पे हमने ये चीज़ें सारी जो है वो खरीद ली थी और उसके बाद घर आ गए थे तो यहाँ पे ये अचार लिया था जो कि 140 का था ये काफ़ी दिनों से अचार 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 कर रहे थे तो घर पे डला हुआ तो खत्म हो गया था तो फिर हमने खरीद लिया काम आता है कभी कभार दूध लाए दो किलो हींग मेरी खत्म हो गई थी तो ये लाए अब ये कितने का है ये इन्होंने ही पे किया है पाँच सौ में से कितने खर्च हुए पाँच सौ का नोट मैंने दिया था तो ये राई है थोड़ी सी और ये मिल्क पाउडर में भी मैं आ, जो है पच्चीस तारीख को बनाऊंगी दाल के हलवे का प्रीमिक्स या कुछ तो उसमें यूज़ आ जाएगा ये इन, इनको पसंद आई नमकीन तो इन्होंने टेस्ट लेने के लिए यू ही बीस रुपये की ले लिए वैसे आलू भुजिया वगैरह रखे हैं इसमें रोटियां हैं तो चलो पहले खाना खा लेते हैं अब ये देखो लगा लिया रोटी बाहर की है दाल है चावल है तो खाना हो गया था फिर बस मैंने अपना ब्रश वग़ैरह किया और आपको याद होगा कि मैंने जो है उबटन बनाया हुआ था वो रखा था तो बस अब वो फिर फेस को वॉश करके उपटन लगाऊंगी उसको धो करके अपना गुलाब जल और मॉइस्चराइज़र और ये सब लगाऊंगी उसके बाद जो वो डब्बे सूख चुके होंगे कपड़े वपड़े चेंज करके जो सूख चुके होंगे उनका मेकओवर करूँगी अच्छा तो चेंज करके वापस मैं किचन में आ गई और ये डब्बे भी सूख चुके हैं तो ये काम चलाओ दस पंद्रह दिन के लिए मन सूचा बना लेते तो क्योंकि पंद्रह सितंबर तक अब फिर मेरा मार्केट वगैरह जाना नहीं होगा क्योंकि ईलू के हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स हैं तो एक बार फिर से संडे को जाओ भी कहीं तो प्रॉपर काम नहीं हो पाते और फिर उसको पढ़ना भी होता है उसको अपने काम भी करने होते हैं उसका कोचिंग भी चलता है तो वो फिर फंसे भी रहते हैं ऑनलाइन जो पसंद आ रहे हैं वो थोड़े से ज़्यादा जगह घेरने वाले हैं तो मैं सोच रही हूँ देख के अगर आसपास ही अच्छी मिल जाए तो वो ऊलू ना ऑनलाइन जो भी ले रही हूँ वो ख़राब आ रही है चीज़ इसलिए तो बस इसको मैंने कट किया हालांकि ये बच्चों वाला है इससे ना मैंने ईलू के बेड का मेक किया था उसको भी दो एक साल हो गए होंगे उसको भी मुझे चेंज करना है ये वाला वाल, वाल उसमें से उतारना है कलर वलर करके मैं दूसरे तरीके का सोच रही हूँ अब ईलो भी वैसे बड़ी हो गई है बच्ची तो रही नहीं है तो बस देखते हैं क्या रहता है क्या नहीं इसके पापा बोल रहे थे कि सितंबर लगते ही कलर करवा लो तो अब वो नहीं हो सकता क्योंकि एग्ज़ाम्स हैं अब उसके हाफ ईयरली तो वो भी नहीं हो सकता तो पंद्रह सितंबर के बाद ही देखेंगे और बस इस तरीके से मैंने डब्बों पे चिपका दिया था एक बार के लिए तो काम चला हो गया बाद में इनको मैं और एज अ ऑर्गेनाइज़र यूज़ दे लूँगी या पौधे लगा दूंगी तो ये हो जाएगा तो बस इस तरीके से मैंने कर दिया था तो पूरा रूटीन ये रहा मेन तो मैंने शाम से स्टार्ट किया था सुबह को तो वो पानी वानी पौधों में हल्दी का दिया था सुबह भी की थी थोड़ी बहुत ब्लॉगिंग तो बस आज के ब्लॉग में बस इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में बाय बाय चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना जिसने नहीं किया हो